जीके में आपका एक बार से फिर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मल्टी कलर मक्खी। मल्टी कलर मक्खी बनाने के लिए हमने आटा बनाया है, जिसमें हमने एक पोर्शन मैदा लिया है, एक पोर्शन हमने उसमें गेहूं का आटा लिया है, एक पोर्शन हम उसमें सूजी लिया है, और साथ में हमने नमक लिया है और अजवाइन लिया है और तेल लिया है या घी लिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे व्हाइट कलर का आटा, जिसके लिए हमने उसमें अच्छे से मोइन डाला है। साथ में मोइन हमने इसमें घी का डाला है, मोइन इतना डालो कि उसकी मुट्ठी बन जाए। तो हमने एक पोर्शन आटा मिला है, तो इसको हमने दूध से गूंदा है, और जो हमने ग्रीन वाला बनाया उसमें हमने पालक की प्यूरी बना के हमने उसको पालक की प्यूरी से गूंदा है, तो ये हमारा ग्रीन कलर का आटा हो गया, बेस सेम है। और ये हमने चुकंदर की प्यूरी बना के, ये हमने चुकंदर इसलिए ये पिंक हुआ है क्योंकि हमने इसमें चुकंदर की प्योरी मिलाई है। तो आज हम मल्टी कलर मक्खी बनाने जा रहे हैं। हमने इसमें कोई कलर नहीं मिलाया है, हमने इसमें नेचुरल वेजिटेबल्स मिलाई है, ताकि बच्चों को आप आराम से दे सकते हो। इसको बना के प्रिजर्व भी कर सकते हो, इसको आप शाम को चाय के साथ में खा सकते हो, बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये हमने ये बिल्कुल घर के सामान से बनाया है, इसमें हमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है। हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं। ये हमने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, तीनों की हमने एक ही साइज रखी है। अब हम इसको, हमने ये प्लेटफॉर्म साफ कर लिए हैं क्योंकि इसको हमने लंबा बेलना है, तो हम इसको बेलन की सहायता से इसको पतला और लंबा बेलेंगे। इसको बहुत मोटा नहीं रखना है, इसको पतला बेलना है। ये हमने व्हाइट आटे का बना के तैयार करा है, अब हम ग्रीन आटे का बना रहे हैं। तो हमें तीनों सेम साइज के और सेम थिकनेस के बनाने हैं, तो हम अभी ग्रीन बना के तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने आटा भी गोले भी सेम साइज के लिए थे। इसका आटा बहुत गीला नहीं होना चाहिए, जैसे हम मक्खी का आटा बनाते हैं, हल्का सा टाइट होना चाहिए। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी रहेगी, बहुत पतला नहीं करना है इसको। तो हमारे दो कलर के बन के तैयार हो गए, तीसरा कलर का हम बनाते हैं। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, आपके पास में कुकी कटर हो आप उसका शेप दे सकते हो, स्टार होता है उसमें हाथ बना होता है, तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपने ऊपर है, लेकिन हम आज आपको रोल करके बता रहे हैं। ये देखिए ये तीन साइज हमारी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, आपको जो भी नीचे रखना हो, हम व्हाइट वाला नीचे रखेंगे, उसके ऊपर हम रेड कलर का रखेंगे, फिर हम ग्रीन कलर का रखेंगे। तो हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हम इस पे हमने हल्का सा घी अप्लाई करना है, उससे हमारी लेयर अच्छी निकलेंगी। इसके ऊपर हमें सूखा आटा डालना है, और साथ में फिर हम ये इसके ऊपर व्हाइट कलर वाला रखेंगे। देखिए साइज बिल्कुल सेम है, इसके ऊपर भी वही रिपीट करना है, हमें घी लगाना है और साथ में आटा डालना है। इसके ऊपर हमने ग्रीन कलर का रखना है, इसको हमने बहुत ज्यादा अच्छे से दबा देना है, उसके बाद हम इसको एक बार और बेलेंगे। बस हमने इतना ही बेलना है। ये देखिए, अब आप ग्रीन बाहर रखना चाहे आप ग्रीन बाहर रख दीजिए, आपने रेड बाहर रखना चाहे रेड वाला बाहर रखीजिए, हम रेड कलर का बाहर रख रहे हैं। इसको फिर बहुत आराम से रोल करना है, टाइट रोल करना है हमने इसको।
और इसको फैलाते रहना है। अब कौन कितने साइज के थिकनेस रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसको फैला सकते हैं। वैसे हम इसको हल्का सा गत्ते से हल्का सा मोटा रखते हैं, इसकी इतनी थिकनेस रखी है 1.5 इंच के करीब होगा ये। इसके हमें छोटे छोटे पीसेस करने हैं। ये किनारे का साइड में रख दीजिए। इसके बाद हमने इसको हल्का सा राउंड करना है, ऐसे राउंड करके फिर इस हमारे इससे हाथ से ऐसे इसको दबाना है। आप चाहे तो इसको बेल भी सकते हैं। ये हमने इतनी थिकनेस रखी है इसकी, तो हम सब ऐसे ही तैयार करेंगे। ये देखें हमारी चपाती बनके तैयार हो गई। अब इसके हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाएंगे, जैसे हम नमक पारे काटते हैं बिल्कुल वही साइज के। ये देखिए, अब चाकू को हल्का सा तेल लगा लीजिए तो इजीली आपकी ये नमक पारे कटेंगे इससे। ये देखिए हमने 3-4 तरह के बना के रखे हैं। इसमें तो आप अपने बच्चों को भी आराम से इन्वॉल्व कर सकते हो। अभी तो उनकी छुट्टियां चल रही हैं, उनको भी मजा आएगा। वो अपने अपनी टाइप का बना के देंगे, लोचे बाद में आप उनको तल के दीजिए, उनको लगेगा वाओ ये तो मैंने बनाया है, तो वो भी खुश होंगे बहुत ज्यादा। तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं। आपको फ्राई करने के पहले जो हमने मछली बनाई है उसमें हम हल्का सा इसको पोप करेंगे ताकि हमारी मछली फूले नहीं। ये गैस हमारा गर्म है, ऑयल हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। याद रखिए इसको आपने इसमें पोप करके डालना है, नहीं तो ये आपके फूल जाएंगी, तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, वो पूरी जैसा हो जाएगा, मछली नहीं रहेगा। ये हमने मछली फ्राई करने के लिए रखी है। इसमें 4 से 5 मिनट लगता है क्योंकि इसको हमने धीरे आंच पर सेकना है, नहीं तो ऊपर से सिक जाएगा। अगर हमने तेज फ्लेम किया तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो हमने इसको धीरे धीरे सेकना है, तो हमारे अंदर तक भी वो क्रिस्प होएंगे मछली। ये देखिए हम इसको 5 मिनट से फ्राई कर रहे हैं, इसका कलर चेंज हो गया है और ये तैयार हो गई है। अब इसको हम टिश्यू पेपर इस पे बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम से कलर गोल्डन ब्राउन हुआ है व्हाइट वाले का। बाकी तो ये हमने इसको धीरे आंच पे हमने इसको पकाया है। ये देखिए ये जो बाकी के हमने अलग अलग शेप दिए थे इसको भी हम फ्राई करेंगे। इसको हमने एक एक करके डालना है, हमारा गैस अभी स्लो में है। हमने इनको पहले से ही पोक करके रखा हुआ है। इसको भी हम ऐसे ही करिए 5 मिनट इसको फ्राई होने देंगे, तो ये सारा अच्छे से पक जाएगा। तो आप अपने बच्चों को बोलिए, उससे अल्फाबेट्स बनवाइए, कुछ भी आप उसको कैसा भी और शेप देंगे उनको अच्छा लगेगा, उनका अपना नाम लिख सकते हैं वो। ये जब तक हमारा ये फ्राई हो रहा है, एक बार हमने फ्राई कर लिया, ये दूसरा हमारा फ्राई हो रहा है।
देखिए हमारी अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर की मछली तैयार हो गई है। आपको ये, मुझे लगता है आपको ये जरूर पसंद आएंगी, आप इसको जरूर से ट्राई करिए। तो आप इसको अचार के साथ में खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अचार के साथ में और मछली का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और इस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते, फिर मिलते हैं एक बार और।